हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स गोपाल एंड हिल्सा फिश, 7th क्लास का जो एक चैप्टर है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। राजा हिल्सा फिश के बारे में और कोई भी बातें सुनना नहीं चाहता, क्यों? सॉल्यूशन है इसका, एवरीवन अराउंड द किंग वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। राजा के चारों तरफ जो कोई भी व्यक्ति थे वो केवल हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। दिस हैड इन्फ्रिएटेड द किंग, सो ही डिडंट वांट एनीवन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। इस कारण से राजा इन्फ्रिएटेड का मतलब क्रोधित हो गए और राजा नहीं चाहते थे कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बातें करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। राजा ने गोपाल को क्या करने के लिए कहा कि जिससे साबित हो जाए कि वो बहुत ही चालाक है। इसका जवाब है, द किंग आस्क गोपाल टू बाई ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड टू एंश्योर दैट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द फिश ऑन द एंटायर वे फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस। राजा ने गोपाल से कहा कि आप मार्केट से एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदो और इस बात को सुनिश्चित करो कि कोई भी आपसे उस मछली के बारे में नहीं पूछेगा पूरे रास्ते के अंदर। आपको मार्केट से महल तक आना है, उस मछली को लेके आना है और रास्ते में कोई भी व्यक्ति आपसे उस मछली के बारे में नहीं पूछना चाहिए। What three things did Gopal do before he went to buy his hilsa fish? हिल्सा फिश को खरीदने से पहले गोपाल ने क्या तीन चीजें की? गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस। गोपाल ने क्या किया, अपने चेहरे पे जो दाढ़ी थी उसको आधा काट लिया, आधा शेविंग कर ली। स्मियर्ड एश ऑन हिज रिमेनिंग फेस हिमसेल्फ, अपने आप क्या किया, बाकी जो बचा हुआ चेहरा था उस पे राख लगा ली। एंड वोर रेक्स बिफोर गोइंग आउट टू बाई हिल्सा फिश, और वोर यानी पहन लिए, रेक्स यानी चिथड़े फटे पुराने कपड़े पहन लिए हिल्सा फिश खरीदने से जाने से पहले। तो गोपाल ने ये तीन काम किए, अपनी दाढ़ी आधी बना ली, आधे बचे हुए चेहरे पे राख रगड़ ली और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। हाउ डिड द गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। गोपाल जो है महल के अंदर कैसे गया जब उसने मछली को खरीद लिया। गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एट ए लाउड वॉइस। गोपाल ने क्या किया, महल के बाहर बहुत तेज आवाज में गाना और नाचना शुरू कर दिया। द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड द मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड। राजा ने उसकी आवाज को सुना और राजा ने कहा इस आदमी को अंदर लेके आओ। एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश व्हिच गोपाल हैड बोट। इसका कारण बताओ कि कोई भी आदमी गोपाल जो हिल्सा फिश लेके आया था उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं था। नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश व्हिच गोपाल हैड बोट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। कोई भी हिल्सा फिश जो गोपाल लेके आया था उसके बारे में जानने को उत्सुक नहीं था क्योंकि गोपाल की जो हालत थी वो ऐसी थी, he was wearing rags, वो फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, his face was half shaven, उसने आधी दाढ़ी बना रखी थी, and ash was smeared over his remaining face, बाकी बचे हुए आधे चेहरे पे राख लगी हुई थी। people were more interested in his appearance than the fish, इसलिए लोग जो है मछली से ज्यादा वो जैसा दिखाई दे रहा था उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, इसलिए किसी ने भी मछली के बारे में नहीं पूछा। अब आपको ट्रू और फॉल्स देने हैं हर एक स्टेटमेंट के आगे। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। राजा बहुत जल्दी क्रोधित हो जाया करते थे, ट्रू है। गोपाल वाज ए मैड मैन, गोपाल पागल था, ये फॉल्स है। गोपाल वाज ए क्लेवर मैन, गोपाल बहुत चालाक था, ये ट्रू है। गोपाल वाज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, गोपाल इतना गरीब था कि अच्छे कपड़े नहीं ले सकता था, फॉल्स, ये गलत है। द किंग गोट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। राजा जो है वो क्रोधित हो गया जब उसे कोई भी गलत साबित करता है, फॉल्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।